हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर ऑफ टू। मैं हूँ सुप्रिया। आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट कोकोनट राइस यानी नारली भात। महाराष्ट्रीय लोगों में ये स्पेशली नारली पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन। तो इसे झटपट 10 मिनट में कैसे बना सकते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखते इंस्टेंट रेसिपी। कोकोनट राइस नारली भात बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बिग बाउल कुक राइस लिया है। नॉर्मल कुक राइस है, आप चाहे तो बासमती राइस भी यूज कर सकते हो। 1/2 कटोरी शुगर, 1/2 कटोरी जैगरी, आप चाहे तो फुल जैगरी या फुल शुगर यूज कर सकते हो। केसर मैंने मिल्क में भिगो के रखा है। 1/2 कटोरी ग्रेटेड कोकोनट। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है 2 फ्रेश बे लीव्स जो मैं अभी फार्म हाउस में से तोड़ के लेके आई हूँ, 6 कार्डमम, 7 to 8 क्लोव, 2 सिनेमन स्टिक, 6 ब्लैक पेपर। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया कैश्यू, रेजिन एंड आलमंड। तो शुरुआत करते बनाने की। पैन में डालूंगी घी, टू टेबलस्पून घी लिया है यहाँ पर मैंने। घी गर्म होने के बाद इसमें डालूंगी स्पाइसेस, सारे स्पाइसेस डालना है इसमें हमें। धीमी खुशबू आने लगी है, डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। हम इसे अलग से घी में पका के नहीं लेने वाले। स्पाइसेस के साथ घी में मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिन फूलने लगे हैं और स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे करना है, नहीं तो ये जलने का डर रहता है। इसमें डालूंगी कोकोनट, क्योंकि हमारा राइस ऑलरेडी कुक है, जो कोकोनट कच्चा बन जाने के लिए घी पे डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है हमें चलाते हुए। अब इसमें डालेंगे हम शुगर एंड जैगरी। जैगरी एंड शुगर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जैगरी के क्रंच है उसे भी तोड़ देंगे। इसमें मैं डालूंगी केसर मिल्क। अगर आप केसर मिल्क नहीं यूज करते तो आप वाटर भी डाल सकते हो। इससे ये होगा कि हमारा जो जैगरी एंड शुगर है वो जल्दी मेल्ट होने लगेंगे और जलेंगे नहीं। 2 मिनट लीड रख के इसे पकने दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी शुगर एंड जैगरी डिसॉल्व होने लगी है। यहाँ पर मैंने पहले राइस नहीं ऐड किया है, क्योंकि राइस आप पहले ऐड करोगे तो जो शुगर एंड जैगरी अगर बाद में डालोगे तो शुगर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होगी राइस में और खाते समय आपके मुंह में आएगी। इसलिए हमें पहले शुगर एंड जैगरी डिसॉल्व कर लेनी है, फिर उसमें हम डालेंगे राइस। इससे इवेनली वो स्प्रेड होगी राइस में। 1 मिनट चलाने के बाद हमारी शुगर एंड जैगरी डिसॉल्व हो चुकी है। अगर आपको लगता है शुगर अब तक डिसॉल्व नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा डाल सकते हो। बॉल आने के बाद इसमें डालूंगी राइस। राइस के लम्स हमें निकाल लेने हैं, कोई भी लम्स नहीं रखना। और जैगरी एंड शुगर डिसॉल्व होने की वजह से ये इवनली स्प्रेड हो जाएंगे राइस में। राइस को शुगर एंड जैगरी में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और लीड रख के 5 मिनट के लिए मैं इसे कुक कर लूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद राइस ने शुगर एंड जैगरी अच्छी तरह सोक कर ली है। इसे मैं 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चलाऊंगी। इसे हम एकदम ड्राई नहीं बनाना, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। हमारा स्वीट कोकोनट राइस रेडी है, इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है पता है। वीडियो मेरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। रक्षाबंधन के दिन ये रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप अपने फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए नए वीडियो के अपडेट्स देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड ऑन मदर ऑफ टू।